दोस्तों, मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल यूट्यूब में, जिसका नाम है जॉब मोटिवेशनल कैरियर एंड स्टडी में। दोस्तों, सीआईटी, ये वीडियो सीआईटीएस वालों के लिए है, यानी कि जो सीटीआई का कोर्स कर रहे हैं। इसकी फुल इसका पूरा नाम है सीआईटीएस। दोस्तों, सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट हो चुका है, तो मैं आज आपको पीओटी के जो हमारा कि नया सब्जेक्ट है, जो हमने आज तक कभी पढ़ा नहीं है, लेकिन किस तरीके से पढ़ाया जाता है उसके बारे में हमने टीचरों से जरूर सीखा होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा फर्स्ट चैप्टर कौन सा है। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है यूनिट वन में, क्या है हमारा, इंस्ट्रक्शन फॉर वोकेशन। दोस्तों, मैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहूंगा कि मैं पीओटी के जितने भी हमारे चैप्टर हैं, हर एक चैप्टर पर यूट्यूब की वीडियो बनाऊंगा, यूट्यूब पे उनको अपलोड करूंगा। एमक्यूक्यूशी जो कि मेरे पास करीबन 1500 से 2000 के समथिंग है, उनकी भी वीडियो मैं बनाऊंगा, अपलोड करूंगा। और जिसको भी पीडीएफ चाहिए, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूंगा, व्हाट्सएप नंबर, वो व्हाट्सएप पे अपना पूरा नाम, कौन सी ट्रेड से है और किस इंस्टीट्यूट में और कौन सी लोकेशन पे वो अपना कोचिंग यानी सीआईटीएस का कोर्स कर रहा है, तो पूरी डिटेल भेज देगा ताकि मैं उसको पीडीएफ सेंड करता रहूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पीओटी के फर्स्ट सब्जेक्ट्स में। मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ, मैं पीओटी का जो भी सिलेबस पढ़ाऊंगा आपको, वो मैं डीपली पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं खुद एनएसटीआई हल्द्वानी से ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल से सीटीआई कर रहा हूँ, तो मैं भी चाहूंगा कि जितना मैं पढ़ाऊं मुझे भी अच्छे से उसकी तैयारी हो जाए, और आप सबको भी जो जो सीआईटीएस का कोर्स कर रहे हैं उनको मैं अच्छे से तैयारी करवा सकूं। तो दोस्तों, आने वाले वीडियो के लिए प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो जो भी होंगे आपको उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बेसिक चीजें पीओटी में हमारा कुछ सिस्टम है कि हमें किस तरीके से लिखना है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, जो पीओटी का हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा उसको इस तरीके से लिखना है, यूनिट वन, यानी यूनिट वन है हमारी, और उसके अंदर हमारे काफी लेसन है। जैसे पहला लेसन हमारा इंट्रोडक्शन का, सेकंड लेसन हमारा ओरिएंट का, तो हमें इस तरीके से लिखना है, यूनिट वन लेसन वन, यानी कि यूनिट वन लेसन वन का वन पार्ट कौन सा है, इंस्ट्रक्शन लेसन वन हमारा, इंस्ट्रक्शन फॉर वोकेशन, यानी वोकेशन का इंस्ट्रक्शन। और इसमें सबसे पहला क्या हमारा, इंट्रोडक्शन, तो हम आज इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। पीओटी का जो हमारा, जो हम एटीआई और सीटीआई कर रहे हैं, उसका हमारा मेन मोटिव क्या है और इससे पीओटी से हमें क्या सीखने को मिलेगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो इसका फर्स्ट पॉइंट है, प्रशिक्षित अनुदेशकों को आधुनिक परीक्षण कला से तथा आधुनिक कुशलता से परिचित करवाना, यानी जो प्रशिक्षित अनुदेशक है, यानी कि ये उनके लिए है जो सीटीआई का कोर्स जो डिप्लोमा डिग्री वाले हैं वो कोर्स किए हुए और आईटीआई में इंस्ट्रक्टर बने हुए हैं। तो सबसे पहले क्या है कि प्रशिक्षित अनुदेशक, यानी वो टीचर लगे हुए हैं, लेकिन उनको क्या करना है, आधुनिक प्रशिक्षण कला से तथा आधुनिक कुशलता से परिचित करवाना है, यानी उनको ट्रेनिंग देना है। सेकंड क्या है, अच्छा व्यवसायिक ज्ञान प्राप्त कराना, यानी कि व्यवसायिक ज्ञान, जो हम व्यवसाय करेंगे उसके बारे में अच्छा ज्ञान प्राप्त कराना है, सीखने की कला का ज्ञान प्राप्त कराना। ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि हमने कोई चीज सीख ली, कोई भी वर्क करें हमने उसको सीख लिया, वहीं तक सीमित नहीं रहना, हमें उसको और भी कंटिन्यू सीखना है, डीपली सीखना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सीखने की कला का ज्ञान प्राप्त करना कराना कि हमें कैसे फ्यूचर में आने वाली चीजों को सीखना है। फोर्थ है, दूसरों को पढ़ाने का अभ्यास करवाकर कुशल प्रशिक्षण बनने का प्रयत्न कराना, यानी कि पीओटी में क्या होता है, पीओटी सब्जेक्ट्स में क्या होता है, जो भी आपकी क्लास के स्टूडेंट्स होंगे वो क्या करेंगे, आगे आकर कोई भी टॉपिक लेंगे उसके बारे में पढ़ाएंगे, उससे क्या बेनिफिट होगा, जो उनके अंदर की हेजिटेशन होती है बोलने की वो आगे आकर वो खत्म होगी सबसे पहले। तो दूसरा, उन्हें स्पीचिंग देना आ जाएगा, किस तरीके से पढ़ाना है,
पढ़ाने के लिए किस लैंग्वेज का यूज करना है इस तरीके से। तो इसका मतलब क्या हुआ, दूसरों को पढ़ाने का अभ्यास करवाकर, यानी जब हम किसी को पढ़ाएंगे तभी हम क्या उस इंस्ट्रक्टर बन पाएंगे। दोस्तों इंट्रोडक्शन में और भी काफी सारे पॉइंट्स हैं, जैसे मैंने कि पहले बताया था करीबन मेरे पास ये 10 से 12 की काउंटिंग में, मैं सारे अभी बता नहीं पाऊंगा। अगर किसी को चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में जैसे अभी बताया था व्हाट्सएप नंबर डाल दूंगा, अगर आपको चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको पूरे पॉइंट जितने हैं वो सेंड कर दूंगा। सेकेंड आता है हमारा पीओटी के सिद्धांत क्या है। इसके जो सिद्धांत है मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियों द्वारा सीखने सिखाने के बारे में जानकारी देना, यानी मनोवैज्ञानिक तरीका। जैसे कि आजकल के टाइम में आपने देखा होगा कि हमारे सीखने के लिए काफी सारी सुविधाएं गवर्नमेंट ने, साइंस ने की हुई हैं। जैसे मान लीजिए किसी चीज को प्रैक्टिकली करवाकर तो वो क्या आता है हमारा मनोवैज्ञानिक। उससे क्या होगा, अगर हम किसी चीज को प्रैक्टिकल करते हैं तो उसका हमारे माइंड में ग्राफ बन जाता है और उसे हम जल्दी सीखते हैं। सेकेंड है शिक्षण की विभिन्न विधियों का परिचय व अभ्यास करना या कराना, यानी शिक्षण की इंस्ट्रक्टर की यानी सिखाने की क्या क्या विधियां होती है उनका अभ्यास करवाना। थर्ड है सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ने की सामग्री का प्रभावशाली ढंग से प्रयोग करना, यानी कि सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ाने की सामग्री का, यानी जो जो हमारे पास आज के टाइम में नई टेक्नोलॉजी के कारण हमारे पास बहुत सारी सामग्री होती है, जैसे आपके एलईडी होती है, प्रोजेक्टर होता है, तो इन सामग्रियों का प्रयोग करके हमें प्रभावशाली तरीके से पढ़ाना है। इसके बाद मेरे पास और भी काफी सारे इसके पॉइंट है, करीबन अगर मैं बात करूं जो मेरे पास बुक है उस बुक में करीबन 12 पॉइंट्स है, तो जिसको भी चाहिए वो व्हाट्सएप करें मुझे ताकि मैं उसको सेंड कर दूं। इसके बाद आता है हमारा अगला पॉइंट, इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट आता है इंट्रोडक्शन में वो आता है पीओटी के नाम कौन कौन से हैं। पीओटी को अदर किस नाम से जाना जाता है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं अदर नेम, यानी इसके अलग अलग नाम कौन कौन से हैं। जो सबसे पहला नाम है वो है हमारा टीचिंग टेक्निक, इसको किस नाम से जानते हैं, टीचिंग TECHING टीचिंग टेक्निक TECHIQUE, इसका हिंदी में वर्ड है, शॉर्ट फॉर्म में इसे TT लिखेंगे, पढ़ाने की विधि। POT का है फुल नेम, अदर नेम इसका फुल नेम है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। इसमें सबसे पहला क्या हमारा टीचिंग टेक्निक यानी TT पढ़ाने की विधि, इसका अदर नेम है ये, कि इसमें हमें क्या सिखाया जाता है कि पढ़ाने की विधि सिखाई जाती है। सेकंड जो इसका नेम है वो है मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन, METHOD मेथड ऑफ INSTRUCTION इंस्ट्रक्शन, हिंदी में इसको इसकी शॉर्ट फॉर्म है MOI और हिंदी में इसको लिखेंगे हम प्रशिक्षण पद्धति नियम, प्रशिक्षण पद्धति नियम। उसके बाद हमारा ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी, इसको हम ट्रेनिंग TM से डिनोट करते हैं, TRAINING ट्रेनिंग METHOLOGY, यानी इसको डिनोट करेंगे हम ट्रेनिंग से। प्रशिक्षण के तरीके और हमारा फोर्थ है इसमें ट्रेनिंग इन पेडागॉजी TRAINING ट्रेनिंग इन PEDAGOGY, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे TIP और इसका प्रशिक्षण शास्त्र। और हमारा जो POT की फुल फॉर्म है POT की प्रिंसिपल PRINCIPAL ऑफ टीचिंग, शायद आपको यहां से क्लियर नहीं दिख पा रहा होगा, मैं PDF दे दूंगा, जो जो मेरे पास व्हाट्सएप करेगा उससे आपको क्लियर आ जाएगा।
तो इसके जो हमारे पीओटी के अंदर नेम है उसको हम किसके नाम से जानते हैं? टेक्निक, टीचिंग टेक्निक के नाम से, मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी, ट्रेनिंग पेडागोजी, और पीओटी का फुल फॉर्म क्या है? प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। तो इसके अदर नाम से अगर आपके क्वेश्चन में ही आए तो टीच इसका अदर नाम कुछ भी आ सकता है, आपको ये दे देगा कि ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी का अदर नाम क्या है या ट्रेनिंग इन पेडागोजी का अदर नाम क्या है, तो आपके क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है, तो आपको ये सारे याद रखने हैं। उसके बाद है ना हमारा प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग के, मैं आपको कुछ वो बता देता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहला मतलब होता है शिक्षा का अर्थ, यानी शिक्षा का क्या अर्थ है। मैं यहाँ पे मेन मेन टॉपिक लिख देता हूँ जो मैं नेक्स्ट अभी पढ़ाने जा रहा हूँ। शिक्षण का अर्थ, शिक्षण का अर्थ, और थर्ड है हमारा शिक्षण पत्ती का अर्थ, शिक्षण पद्धति का अर्थ। तो जो हमारा पहला था शिक्षा का अर्थ, इसका मतलब है सीखना, समझाना, जानना, अध्ययन, अधिगमन, ज्ञानार्जन आदि। इसके तरीके अंतर्गत मनुष्य की सभी भावनामय चेष्टाएं आती है जो कार्य व्यवहार में कुशलता लाने, शारीरिक व मानसिक शक्तियों के संवर्धन में सहायक होती है, उसे हम शिक्षा कहते हैं। तो हमारी शिक्षा क्या होती है, यानी कि जो इंसान सीखता है, जो मतलब मनुष्य सीखता है, जो मतलब जैसे कि समझना, जानना, अध्ययन करना, जो भी सीखता है, जो भी ये भावनाएं आती हैं, उससे क्या होता है हमारे व्यवहार में कुशलता आती है, हमें कौशल कुशलता आती है। अगर कुशलता आएगी तो क्या होगा, हम समझदार बनेंगे। सॉरी दोस्तों, कुछ रीजंस की वजह से मुझे वीडियो से हटना पड़ा था, मैं दोबारा से आया हूँ। हम फिर मैंने आपको शिक्षा का अर्थ बताया था, शिक्षा का अर्थ क्या होता है, मैं आगे बताऊंगा आपको शिक्षण का अर्थ। शिक्षण का अर्थ होता है कि जैसे कोई टीचर है, ठीक है, उसने अपनी शिक्षा ली हुई है, अब उसको वो दूसरों को दे, किस तरीके से देना होता है, वो शिक्षण का अर्थ होता है। इसका प्रॉपर अगर डेफिनेशन में जाऊं तो मैं सीखना या सिखाना, एक तो होता है सिखाना, किसी दूसरे को सिखाना है, सीखना। ये नहीं कि अगर आप जॉब लग गई या टीचर बने हो तो आपको और सीखना नहीं, आपको भी सीखना है और आगे भी सिखाना है। दूसरों को समझाना, वो तरीका आपको पता होना चाहिए, आप किस तरीके से उनको समझाते हो। जानना, अध्ययन करना, ज्ञानार्जन, और अपनी अनुभूतियों, विचारों एवं ज्ञान को और अपने अनुभव को दूसरों में बांटना, यानी जो आपके पास ज्ञान है, जो आपके पास नॉलेज है और जो आपके पास अनुभव है, वो दूसरों में शेयर करना, वो शिक्षण का अर्थ होता है। तीसरा होता है शिक्षण पत्ती का अर्थ, इसका मतलब ये कि आपके पास जो ज्ञान है, जो अनुभव है, जो नॉलेज है, उसको आप दूसरों में किस तरीके से, यानी कौन से मेथड से आप उनको समझा रहे हो, आप उनको बता रहे हो, कौन कौन सी विधि आप इसके अंदर बताओ, कौन कौन सी विधि आप इसके अंदर अपना रहे हो, तो वो होता है हमारा शिक्षण का अर्थ। तो ध्यान रखना दोस्तों, शिक्षा का अर्थ है खुद का विकास करना, वो चाहे किसी भी तरीके से हो, कोई भी शिक्षा हो, कोई भी एजुकेशन हो। शिक्षण का अर्थ होता है अगर आप किसी चीज में, किसी चीज की आपके पास नॉलेज है, आपके पास ज्ञान है, वो दूसरों को बताना। और तीसरा शिक्षण पत्ती, यानी कि आपके पास जो ज्ञान और जो नॉलेज है, वो दूसरों को आप किस तरीके से, कौन सी विधि से बताओगे। तो दोस्तों ये तो था शिक्षा, प्रिंसिपल टीच ऑफ टीचिंग से जुड़े कुछ वर्ड थे जो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद है जो हमारा फेस ऑफ ट्रेनिंग, इसी का आता है, इंट्रोडक्शन का ही आता है, सॉरी लाइट चली गई है, उसके लिए मैं आपको प्रैक्टिकली वैसे बता रहा हूँ, थ्योरेटिकली, सॉरी प्रैक्टिकल नहीं, थ्योरेटिकली। उसके बाद है हमारा पेस ऑफ ट्रेनिंग, पेस ऑफ ट्रेनिंग क्या होती है, आपने कोई ट्रेन, कोई किसी ने आपको कोई ट्रेनिंग दी, उसको किस तरीके से फेस करना है,
वो होता है फेस ऑफ ट्रेनिंग। इसका सबसे पहले इसके अंदर दो टाइप्स होते हैं, एक होता है फर्स्ट, इसकी दो स्टेज होती है, फर्स्ट फेस और सेकंड फेस। याद रखना इसकी दो स्टेज है, एक फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट में क्या होता है कि जो टीचर के द्वारा, इंस्ट्रक्टर के द्वारा या जो अनुदेशक होता है, जो ज्ञान को मतलब पुनरावृत्ति करवाई जाती है, जो ज्ञान बताया जाता है, इसमें क्या है कि अन्य विषयों को छोड़कर प्रशिक्षण व्यवसाय प्रशिक्षण के सिद्धांत क्या है, मतलब जो टीचिंग के सिद्धांत है वो बताए जाते हैं, इन बातों को बताया जाता है। तो दोस्तों क्या होता है, 6 अवधि के बाद यानी 6 सप्ताह की अवधि यानी 6 वीक पूरे होने के बाद एक परीक्षा ली जाती है, उसे फर्स्ट फेस कह जाते हैं। उसका रीजन ये है कि जो आपको बताया गया है, जो आपको सिखाया गया है, वो आपने कितना ग्रहण किया, यानी आपका अंदर पहले आप क्या थे, आपके अंदर कितना कौशल विकास हुआ, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट फेस। सेकंड फेस में हमारा क्या आता है, इसमें क्या होता है कि जो इस फेस को स्टार्ट करने से पहले एक परीक्षा की जाती है, इस परीक्षा के बाद ही शिक्षण सिद्धांत पर जोर दिया जाता है, यानी आपने पहले परीक्षा दी, आपका अनुमान लग गया कि आप किस लेवल पर हो, तो उसी लेवल के अकॉर्डिंग आपको सेकंड फेस में पढ़ाया जाता है। अगर आप ज़्यादा कमजोर हो तो आपके ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाएगा, अगर आप नॉर्मल हो तो नॉर्मल, और आपको कम वो देखना अनुमान लगाया जाएगा कि आपके ऊपर प्रशिक्षण देने की, मतलब आपके ऊपर जोर लगाने की, आपको शिक्षा देने की कितनी आवश्यकता है, ठीक है। उसके बाद और इसके अंदर विधियां भी बताई जाएगी, जैसे कि पीओटी के सब्जेक्ट्स में क्या होता है, बच्चे आगे आगे हेजिटेशन करते हैं, बता नहीं पाते हैं, वो या बताते बताते कुछ भूल जाते हैं और कहीं भटक जाते हैं, कुछ लिखना होता है लिखो और कुछ देते हैं लिखते हुए हाथ कांपते हैं, तो उनको क्या होता है कि बार 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 ब्लैक बोर्ड पर बुलाया जाता है, बार बार उनसे अभ्यास करवाया जाता है, तो उससे क्या होता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है जी। और सबसे लास्ट में क्या है हमारा, शेड्यूल ऑफ इंट्रोडक्शन, ये हमारा फिनिश होने वाला है इंट्रोडक्शन, जो कि इंस्ट्रक्शन फॉर वोकेशन फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट हमारी यूनिट है, इसका पहला जो लेसन था इंट्रोडक्शन, उसमें हमारा ये लास्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन का। कल हम पढ़ेंगे ओरिएंट के बारे में। तो इसमें क्या होता है, इसे अनुदेशकों की सूची भी कहते हैं, अनुदेशकों को अपने व्यवसाय के पाठ्यक्रम के अनुदेशक देने के लिए तैयार किया जाता है, मतलब जो उनका व्यवसाय होता है, जैसे मान लो मैं ड्रेसमैन मैकेनिकल से हूँ, जो मेरा व्यवसाय होगा उसका जो पाठ्यक्रम होगा वो दिए देने के लिए तैयार किया जाता है कि हम कौन कौन सा सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे, ठीक है जी। 1 माह या 1 सप्ताह के अंदर हम कितना अनुदेशक देना होता है, यानी कि वो टाइम टेबल शेड्यूल करना होता है कि हमें 1 वीक में या 1 माह में हमें कितना क्या कुछ पढ़ाना है। तो दोस्तों इसके अंदर हमारा जो भी सिस्टम होता है, जो भी सेमेस्टर वाइज सिस्टम होता है, इसका हमें पहले डाटा तैयार करना होता है, टाइम टेबल तैयार करना होता है कि हम किस तरीके से कब कौन से दिन क्या पढ़ाएंगे। और इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें ये है कि अनुदेशक अगले दिन पढ़ाए जाने वाले पाठ की तैयारी करता है, इससे बेनिफिट क्या मिलता है, इससे ये बेनिफिट है जैसे कि मुझे पता है कि कल को मुझे ओरिएंट पढ़ाना है, तो मैं क्या करूँगा, पहले उसका रिव्यू करके आऊँगा, उसका रिवीजन करके आऊँगा, ताकि मुझे बताने में इजीली हो। सेकंड जो हमारा है, इसके लिए वह पाठ योजना तैयार करता है, साथ ही अभ्यास प्रदर्शन योजना भी बनाता है। पाठ योजना तैयार मतलब कि मैं आपको कौन से मेथड से पढ़ाऊँगा, कौन सा एग्जाम्पल देके पढ़ाऊँगा, और अभ्यास प्रदर्शन योजना भी बनाता है। इसका मतलब ये है कि मैं आपसे क्वेश्चनिंग करूँगा, वो आपसे क्वेश्चनिंग करेगा, कुछ आपसे पूछेगा कि आपने कितना ग्रहण किया जो उसने आज पढ़ाया है। तो ये था सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है हमारा, इस क्रिया में अभ्यास के लिए उपयुक्त सामग्री का प्रबंध करता है, यानी जो आपको अभ्यास करवाया जाएगा उसके लिए जो उपयुक्त सामग्री होगी, चाहे वो प्रैक्टिकल करवाना है या थ्योरेटिकल करवाना है। अगर मान लीजिए जैसे आपको प्रोजेक्शन पढ़ाना है या कोई प्रोजेक्शन के अंदर कुछ भी बताना है, तो वो क्या करेगा, आपको एक बॉक्स ले लेगा, उसके हिसाब से बताएगा, मतलब कि प्रैक्टिकली भी करके दिखा सकता है, ठीक है, इसका ये भी बेनिफिट है। उसके बाद सीखने वालों को यह लाभ होता है कि अगले दिन पढ़ाए जाने वाली पाठ की तैयारी कर सकता है, जैसे आपने क्या किया वही टीचर वाला काम है। अगर आपको टाइम टेबल पता है तो आप पहले क्या करोगे, अगले दिन जो पाठ पढ़ाया जाएगा उसको अगर आप पहले ही पर पढ़ लोगे,
प्राइज आने से एक दिन पहले अगर आप पढ़ लोगे तो आपको जब टीचर पढ़ाएगा तो आपको इजीली समझ में आएगा। दोस्तों ये थे इसके कुछ पॉइंट्स, एक दो पॉइंट्स और है वो इससे यह भी पता लगाया जाता है कि पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाया जा रहा है या नहीं, या पढ़ाया जा रहा है तो कितना पढ़ाया जा रहा है। टाइम टेबल बनाने का ये होता है कि जैसे कि हमारा टाइम एक वर्ष का है या छः महीने का, तो छः महीने में के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, जो हमने टाइम टेबल बनाया है हम कहीं आगे तो नहीं निकल गए या पीछे तो नहीं रह रहे, क्या हम उस टाइम के अकॉर्डिंग वो सिलेबस कवर कर पाएंगे या नहीं, तो इसके अंदर यही होता है दोस्तों, शेड्यूल फॉर इंस्ट्रक्शन। तो आज का था यही हमारा इंस्ट्रक्शन फॉर वोकेशन के अंदर हमारा जो इंट्रोडक्शन था ये था। उसके बाद मैं आपको ओरिएंटेशन भी पढ़ाऊंगा, उसके बाद फिर मैं आपको CITS क्या है, ओरिएंटेशन के अंदर हमारा क्या कुछ आएगा कि DGT क्या है, हिस्ट्री के बारे में, CIT कब, CIT क्या है, CITS क्या है, ये क्यों स्टार्ट की गई, यानी हिस्ट्री ऑफ CITS की, तो वो मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। 1.2 यानी लेसन 1.2 होगा, यूनिट हमारी यही रहेगी। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा, जिसको भी इस वीडियो का PDF चाहिए तो वो मुझे WhatsApp करे ताकि मैं उसको PDF बनाकर भेज दूँ, विद अपनी पहले पूरी डिटेल डालेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मुझे कमेंट्स करे कि वीडियो कैसी है, मुझे कहाँ इम्प्रूवमेंट करना है, किस तरीके से इम्प्रूवमेंट करना है, ताकि मैं चाहता हूँ कि आप सभी वीडियो के माध्यम से जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो अच्छे से पढ़े और आप अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से करें। थैंक यू।